पिछोर में ब्राह्मण समाज में किया चक्काचांद। 22 वर्षीय युवती की गुमशुदगी और पुलिसकर्मी की अभद्रता को लेकर आक्रोश। शिवपुरी जिले के पिछोर कस्बे में 22 वर्षीय युवती की गुमशुदगी और पुलिसकर्मी की अभद्रता को लेकर आक्रोशित ब्राह्मण समाज ने पिछोर थाने के सामने प्रदर्शन कर चक्काचांद कर दिया। प्रदर्शनकारी गुमशुदा लड़की के परिजनों से अभद्रता करने वाले पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर प्रदर्शनकारियों ने थाने के सामने चक्का जाम कर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी है। चक्का जाम की सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। पिछोर थाने के प्रधान आरक्षक दीप चंद पर अभद्रता का आरोप। जानकारी के अनुसार पिछोर कस्बे की रहने वाली एक 22 वर्षीय युवती 5 दिन पहले अचानक से घर से गायब हो गई। परिजनों ने इसकी शिकायत पिछोर थाने में दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया था। आज इसी मामले को लेकर ब्राह्मण समाज एक प्रतिनिधि मंडल पुलिस थाने पहुंचा था। आरोप है कि तभी थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक दीपचंद ने लड़की के परिजनों से अभद्रता कर दी, जिसके बाद आक्रोशित ब्राह्मण समाज ने थाने के सामने चक्का जाम कर दिया। प्रधान आरक्षक दीपचंद को निलंबित करने की मांग की। इस मामले में थाना प्रभारी रत्नेश सिंह यादव ने बताया कि गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया गया है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन कुछ लोगों ने चक्का जाम किया। पुलिस अभी प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर रही है। नाम है आपका? संतोष तिवारी। अच्छा तिवारी जी, आप सभी लोग यहाँ चक्का जाम करे बैठे हैं, क्या मांग है आपकी, क्या कहना? मेरी मांग ये है, मेरी खुशी तिवारी 7 तारीख से लापता है। कौन थी आपकी? मेरी भतीजी थी। हाँ। जिसके पिताजी नहीं है, जिस बिटिया के, ठीक है। टीआई साहब को हमने FIR लगाई, टीआई साहब बोले शाम तक आ जाएगी। आश्वासन दिया, हमने इंतजार किया। आज हम सब लोग जुड़ के इकट्ठे हुए हैं, तो यहाँ दीप कमल जी है, वो दीप कमल है, दीपचंद जो उनकी बीट है, बाट क्रमांक 11 में। उनसे मेरे सभी भाईजनों ने बात की, तो इनसे गलत गाली गलौज का व्यवहार किया है। किसके साथ? ये सब भाई लोग। आप क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं, और मैंने बोला कि अगर बिटिया मर जाएगी तो बोले मर जाने दो। कौन बोला ये? ये TI साहब के बयान है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि बिटिया आना चाहिए। सबसे बड़ी, जिसका बाप नहीं तो उसका क्या है फिर? अच्छा, आप उसके चाचा हैं। पुलिस प्रशासन, जिसकी बिटिया बाप नहीं है मौड़ी का, अगर उसकी भी सहायता नहीं करेगी तो आम इंसान की फिर कैसे करेगी? अच्छा, मतलब जो युवती लापता है आप उसके चाचा हैं? हाँ, मैं उसका चाचा हूँ। न्याय चाहते हैं। यहाँ क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण पुरोहित है। अच्छा अरुण पुरोहित जी, पूरे ब्राह्मण समाज की युवाओं ने थाने के सामने चक्का जाम किया है, क्या कुछ मांगे, क्या कुछ कारण है? क्या कारण ये रहा है, 3 दिन से ब्राह्मण समाज की बच्ची लापता है, इसलिए इनसे गुहार की गई पुलिस प्रशासन से। तो उनका कहना ये है कि हमने भगा दी ये बच्ची, और उनसे TI साहब के पास जाते हैं तो वो कहते हैं हम आप लोगों से बात नहीं करें, बाहर निकलिए। और मारने के लिए, लड़ने के लिए घर में कोई है नहीं, इसलिए सब ब्राह्मण समाज बच्ची के लिए यहाँ उपस्थित हुआ है। और दीपचंद नाम का जो सिपाही है वो लड़ रहा है और मारने के लिए उतारू, पैसे की मांग कर रहा था उसने, अभद्रता की, निकलिए थाने से बाहर, नहीं मैं तुम्हें मारूंगा, गाली गलौज भी की है उसने, पैसे की मांग की और उसने मारने की मारा है उसने, मतलब धमकी दी है कि तुम बाहर निकलो थाने से, नहीं तो मैं मारूंगा। अच्छा, आप कब तक इस तरह से चक्का जाम करेंगे? जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, और जब तक दीपचंद को तुरंत सस्पेंड नहीं किया जाएगा, और वो माफी नहीं मांगेगा सब समाज से, तब तक। सर, एक युवती की गुमशुदगी दर्ज करने के बाद आज परिजनों ने चक्का जाम किया है, क्या है पूरा मामला? एक्चुअली मैं ये कल जो है, एक परिजन आए थे, यही कस्बे के हैं, उनका कहना था कि हमारी 22 वर्षीय बिटिया जो है घर से कहीं बिना बताए चली गई है, मोबाइल तो दरवाने का कहते वो चली गई, जिस पर यहाँ पर गुमशुदगी कायम कर दी गई। और उसके बाद से हम लगातार सतत प्रयास कर रहे हैं। आज इन परिजनों ने बताया था कि हमें एक लड़के पर शक है, तो उस लड़के को हम उठाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु कुछ लोगों के द्वारा इस विषय में ये कहा जा रहा है कि आप तत्काल इसमें कार्रवाई कीजिए, इस वजह से ये सारी हेजिटेशन की स्थिति निर्मित हुई है, जिसको लेकर के हम लोग लगातार संवाद कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि हेजिटेशन खत्म हो जाए।